अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 51, 56 to 60, जिसमें हमारे पास जो 56 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? हमारे पास टू टाइप्स होती हैं सेल की, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। मतलब सेल अपने अंदर चीज़ें किस तरह लेके आता है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और सेल चीज़ें बाहर कैसे निकालता है, किस प्रोसेस के थ्रू अपने में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये जो फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस हैं, ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस की टाइप्स हैं कि सेल कोई चीज़ बाहर से अंदर कैसे लेके आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस। ये टाइप है एंडोसाइटोसिस की, जिसमें सेल कोई सॉलिड मटेरियल लेके आता है। मतलब कोई भी चीज़ है जो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, मतलब हार्ड है, वो वाली चीज़ जो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लेके आएगा उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस है। और सेल कोई भी चीज़ जो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड लेके आएगा, मतलब पानी वगैरह या ऐसा कोई भी चीज़, तो वो क्या होगा, उसको हम पाइनोसाइटोसिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है? सपोज दैट ये मैंने पिक्चर ड्रॉ किया, जिसमें एक मैंने बताया हुआ कि ये नॉर्मल है। अब एक इन्वायरमेंट ऐसा है जिसमें बाहर बहुत ज़्यादा, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर हमारे पास, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, ये मेंटेन रहे। बाहर जितनी मर्ज़ी ज़्यादा गर्मी होती जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरह बाहर अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, मतलब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो भी इन्वायरमेंट है बाहर वाला, तो अंदर वाला इन्वायरमेंट अपनी जो अपनी जो अपना वाटर वगैरह लॉस ना करे, तो लेकिन श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाती है। अब देखें, वो जो वैक्यूल था या वो जो साइटोप्लाज्म था, पहले ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन आस्ता आस्ता उसमें से वाटर जो था बाहर निकलना शुरू हो गया, वो हाइपर की तरफ चला गया, तो वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिड। क्या होता है? अब प्लास्टिड क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वाले जो होते हैं ना, जो प्रोकैरियोट्स वगैरह, उनमें ये मौजूद होता है प्लास्टिड। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब ये करता क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब ये था इनका काम। ये ऑर्गेनेली होते हैं, प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है जो कि टाइनी रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब कहीं भी बिखरे पड़े होते हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के ऊपर अटैच होते हैं। तो वो वाले राइबोसोम